शिक्षा विभाग और प्राइवेट स्कूलों में स्कूल खोलने को लेकर पेच फंस गया है। दरअसल सरकार ने सभी सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को स्कूली और ऑनलाइन शिक्षा एक साथ करने के आदेश जारी किए हैं, जिस पर हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन ने अपनी परेशानी बताई है। हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार के इस फैसले पर कहा है कि ऑनलाइन क्लास और स्कूल में पहुंचे बच्चों को एक साथ शिक्षा देना नामुमकिन है। 16 जुलाई से प्रदेश सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं कि देश भर के तमाम स्कूलों को खोला जाए, लेकिन ये स्कूल खोलने के आदेश पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये सरकारी फैसला उनके लिए परेशानी भरा सबब बनता जा रहा है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए चलेंगे प्रदेश अध्यक्ष के पास और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ परेशानियां हैं, क्या कुछ दुश्वारियां हैं, आखिर क्यों 16 जुलाई से प्रदेश भर के जो 1600 स्कूलों का संगठन है क्यों नहीं इत्तेफाक रखता है सरकारी फैसले से। हमारे साथ हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर पेच फंसा है, आखिर पेच फंसा है तो फंसा क्यों, क्यों नहीं 16 जुलाई से जो सरकारी आदेश है कि आप स्कूल खोलें, क्या कुछ परेशानियां आपको सामने आ रही हैं? देखिए, सरकार से बहुत मिन्नतें की थी हमने कि स्कूल को खोल दीजिए, अब कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और बच्चों में तो केस बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है, तो आप स्कूलों को खोल दीजिए। चलो, सरकार ने हमारी बात मानी, देर से मानी, पर मान ली सरकार ने बात, इस आदेश का स्वागत भी है। पर साथ में जो इन्होंने पेच फंसा दिया कि आप ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन वर्चुअल क्लासेज भी साथ साथ आप दोनों क्लासेज चलाते रहोगे, तो दोनों क्लासेज चलाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, ना हमारे लिए ये संभव है, ना सरकार के लिए ये संभव है। जो टीचर्स क्लासरूम एजुकेशन दे रहे हैं फिर वो बाद में ऑनलाइन एजुकेशन शाम को जा कर दें, तो वो संभव नज़र नहीं आता किसी तरह से। एक टीचर्स के लिए बस की नहीं होता कि इतना वो कार्य कर सके, इतने बच्चों को एक साथ पढ़ा सके। तो स्कूल खोलने का जो फैसला था, कहीं ना कहीं आपको विश्वास में लेकर ही किया गया होगा। 1600 स्कूल्स का पूरे प्रदेश भर का ये संगठन है, क्या तमाम संगठन के जो लोग हैं या तमाम जो स्कूल संचालक हैं उनका यही मत है कि ऑफलाइन शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा एक साथ देना मुमकिन नहीं है? जी, एक साथ देना किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है। सरकार ने हमसे पूछा जरूर था कि स्कूल को आप खोला जाए, बल्कि हमने ही मांग की थी सरकार से आप स्कूल को खोल देना चाहिए। शिक्षा मंत्री जी से भी अनुरोध किया था, बात की थी कि आप स्कूलों को खोल दीजिए। डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन से भी हमने बात की थी कि अब स्कूलों को खोलने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए। हमने कई बार ज्ञापन भी दिया, ठीक है देर से मानी पर सरकार ने हमारी बात मान ली, लेकिन जब आदेश जारी किए गए, जब लेटर हमारे पास आया तो उसमें लिखा हुआ कि आप ऑनलाइन क्लासेज भी साथ साथ जारी रखेंगे, जबकि हमने पहले इस बात पर पूरा जोर देकर कहा था कि दोनों क्लासेज एक साथ चलाना संभव नहीं होगा। क्यों संभव नहीं है, क्या कुछ परेशानी आएंगी दोनों क्लासेज एक साथ चलाने में? आप देखिए, लिमिटेड टीचर है, एक स्कूल के पास जितने टीचर होने चाहिए उतने ही होते हैं। यदि हम उन टीचर से क्लास में एजुकेशन दिलवाते हैं, क्लासरूम एजुकेशन दिलवाते हैं, फिजिकल एजुकेशन दिलवाते हैं, तो उसके बाद फिर हम उनको कहते हैं कि आप ऑनलाइन एजुकेशन भी दीजिए, फिर वो संभव नहीं हो पाता, वो टीचर नहीं पढ़ा पाते, इतनी मेहनत नहीं हो पाते, और फिर ज़्यादातर बच्चे शाम के वक्त पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो पाते, वो कहते नहीं हमें सुबह ही चाहिए, सुबह ही हम जो है पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो एक साथ जब टीचर क्लासरूम में भी पढ़ा रहा है और उसके बाद जो है वो ऑनलाइन भी पढ़ा रहा है, तो कैसे संभव हो सकता है? एक विकल्प ये दिया जा रहा है बार बार, काफ़ी बार मैंने मीडिया पर भी देखा, सोशल मीडिया पर भी देखा, कि जो टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा है ब्लैक बोर्ड पर जब वो पढ़ा रहा है तो उसको उसी वक्त ऑनलाइन कर दीजिए, जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं वो भी घर पर देख सकें। तो टीचर्स को फोकस करना होता है बच्चों पर, जो उसके सामने बच्चे बैठे होते हैं वो उस पर फोकस करता है कि उनकी बात जो मैं बोल रहा हूँ समझ आ रही है कि नहीं आ रही, तो वो उनको समझाता है, नहीं समझ में आ रही तो उनको एक एक करके पूछता भी। यदि आप उस तरफ फोकस कर रहे हो, क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हो उस तरफ फोकस कर रहे हो, तो फिर आप ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उस तरफ फोकस नहीं कर पाते। कई बार वो बच्चे शरारत भी कर देते हैं जब आप फोकस नहीं कर पाते हो, तो ये तो एक ढोंग हो गया कि हम जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेज एक साथ चला पाते, ये संभव नहीं होता है और कभी चल नहीं पाती है, और हम चलाने के लिए तैयार भी नहीं। तो फिर 16 तारीख को किस तरह से स्कूल खोलेंगे आप? देखिए, सरकार से हमने मांग की है तो इस पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है, आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहे हैं कि इस पर पुनर्विचार कीजिए। यदि सरकार पुनर्विचार कर लेती है और
ऑनलाइन एजुकेशन को उससे हटा देती है कि अब आप ऑफलाइन एजुकेशन की तरफ ही चलिए, तो बड़ा अच्छा रहेगा सरकार का। यदि नहीं कहती है तो फिर हमारे लिए दुविधा हो जाएगी कि हम क्या करें, किस तरह से करें। फिर हम दोनों क्लासेस चलाएंगे तो सही, लेकिन वो चलाने के नाम पर एक खाना पूर्ति होगी, उससे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो एक तरफ तो चलिए ये ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास की दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दूसरी तरफ तीसरी लहर की बात की जा रही है, कोरोना की तीसरी लहर की बात की जा रही है, और ये कहा जा रहा है विशेषज्ञों के द्वारा कि बच्चे सर्वाधिक प्रभावित होंगे। ऐसे में आपके स्कूल प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं कि जो नौनिहाल यहाँ पे पढ़ने के लिए आएंगे वो बेहद सुरक्षित रहें? हमने जिस दिन ये कोरोना के पहले बार लॉकडाउन हुआ 22 मार्च को, प्रधानमंत्री जी ने किया था 22 मार्च को लॉकडाउन, तो उसी वक्त हमने कहा था कि नहीं, हम इस बीमारी के दौरान, इस पैंडमिक के दौरान पूरी तरह से सरकार के साथ रहेंगे, पूरी तरह से सरकार के आदेशों की पालना करेंगे। जिस तरह से वो हमसे अपेक्षा रखती है उसी हिसाब से हम कार्य करेंगे। तो अब भी यदि तीसरी लहर आती है और सरकार कहती है कि स्कूलों को बंद कर रहे हैं हम, तो हम उसमें भी नहीं हिचकेंगे कि ठीक है आप बंद कर दीजिए। पर क्योंकि फिलहाल हालात ऐसे हैं कि बंद करने के हालात नहीं है, बच्चे घर पर काफ़ी दिनों से बैठे हुए हैं, एजुकेशन पिछड़ती जा रही है, तो उनको तो खोल देना चाहिए अभी। तो यदि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जिस तरह की चर्चाएँ सोशल मीडिया पर चल रही है कि फिर दोबारा से ये एक और लहर आएगी, उससे बच्चे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे, तो यदि सरकार कहेगी कि बंद कर दीजिए तो हम बंद कर देंगे। यदि सरकार कहेगी कि इंतजाम कीजिए तो फिर हम इंतजाम करेंगे। जो भी सरकार कहेगी, जो भी SOP जारी की जाएगी, उसका पूर्ण रूप से हम पालन करेंगे। सिर्फ हमारी एक ही मांग है कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेज को एक साथ चलाने के लिए हमसे मत बोलिए, हम नहीं कर पाएंगे। शुक्रिया सर। तो ये हमारे साथ यशपाल जी हैं, यशपाल जी थे जिन्होंने की सरकार से गुजारिश की जनता TV के इस मंच पर कि ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास के बीच में जो पेच फंसा है, सरकार से बार बार जो बातचीत का दौर चला था उसमें भी इनकी ये मांग रही थी कि ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास, वर्चुअल क्लास को एक साथ आयोजित न किया जाए, जिससे कि बच्चों की शिक्षा पर जो प्रभाव पड़ने वाला है वो प्रभाव ना पड़े, दुष्प्रभाव ना पड़े। तीसरी लहर को लेकर भी यशपाल जी ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि सरकार का जो फैसला होगा वो इन्हें स्वीकार होगा, हालांकि बच्चों की शिक्षा ज़रूर इस लॉकडाउन की प्रक्रिया के बाद से प्रभावित होने में लगी है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, जनता TV, गुरुग्राम।